ओके बच्चा लोग, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। देखो ध्यान से सुनो, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। सिंपल सा वर्ड क्या कहता है कि इन्फेक्शियस डिजीज कैसे कैसे उसके स्प्रेड के तरीके से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो सबसे पहला वर्ड हमें क्या समझना है, द वर्ड टू बी डिस्कस फर्स्ट इज व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज। भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैडम ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है तो क्या होती है। तो देखो बेटा इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है कम्युनिकेबल डिजीज। व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज, सो इन्फेक्शियस डिजीज इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। एक ऐसी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है या फैल जाती है, ऐसी डिजीज को कौन सी डिजीज कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। बहुत आसान सा वर्ड है, एक ही बार में समझ में आता है। दूसरा है कि भैया हमें कैसे पता चला कैसे स्प्रेड हुई। तो पहला तरीका होता है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब या इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। देखो बेटा ऐसी डिजीज को कॉन्टैगियस डिजीज कहते हैं, जो हाथ मिलाने से फैलती है, आपस में टच करने से फैलती है। सच डिजीजेज आर नोन एज कॉन्टैगियस डिजीज। फॉर एग्जाम्पल किसी ने नाम सुना हो तो फंगल डिजीज हो जाती है, जिसको दाग कहते हैं। ऐसे यहाँ पे स्किन पे फंगस लग जाती है जिसको दाग कहते हैं। दाग को क्या कहते हैं, रिंग वॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा जब दाग लग जाती है और गलती से वो किसी और के हाथ पे से टच हो जाए तो इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डायरेक्ट टच। डायरेक्ट फैले भाई, हाथ मिलाने से फैले। तो ऐसी डिजीज को कौन सी डिजीज कहते हैं, कॉन्टैगियस डिजीज। भैया किससे फैलती है, इट स्प्रेड विद द कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। या जिसको बीमारी थी उसको टच करने से ये डिजीज स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। बहुत अच्छा वर्ड है, अगर अभी समझ नहीं आया तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। कोई तुमसे पूछे व्हाई आर यू कैरिंग दिस मास्क, तो उसको बताना भैया बिकॉज कोरोना फैल रहा है तो हमने मास्क ले रखा है। बोले तुम मास्क लगा दे, क्यों? बोले हमने मास्क लगाया एक सिंपल से कारण के लिए, मैंने जैसे ही स्नीज किया मुझे तो नहीं पता मुझे कोरोना है कि नहीं है, मतलब मुझे कोरोना नहीं है 100% नहीं है, बट सपोज कोई थर्ड इंसान स्नीज कर रहा है, हमें तो नहीं पता उसको कोरोना है या नहीं है। अब जैसे ही वो छींकेगा तो ड्रॉपलेट, जब वो कोई इंसान छींकता है ना तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट एयर में फैल जाते हैं, और उसको कोई भी अगर इनहेल करेगा तो उसको भी क्या हो सकता है, कोरोना हो सकता है। इसीलिए बहुत सारी जगह बिना मास्क के एंट्री नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट फोर्स कर रही है दैट वन शुड वेयर द मास्क। क्यों? एक ऐसे लगाया हुआ मास्क, इसका मतलब अगर किसी को कोरोना है तो वो फैलाएगा भी और अगर दूसरे को है तो उसकी सांस में जाएगा भी। अंडरस्टूड है? ऐसे लगाया हुआ मास्क मतलब क्या, फैलाएगा तो नहीं पर सामने वाले को है तो सांस से अंदर जाएगा। ऐसे लगाया हुआ मास्क ना फैलाएगा ना दूसरे का होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? द वर्ड इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। वर्ड क्या है बेटा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि ड्रॉप से स्प्रेड करता है। इसका एग्जांपल है कॉमन कोल्ड। ये जुकाम भी एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैल जाता है, एक को है दूसरे को होगा, दूसरे को है तीसरे को हो जाएगा। अच्छा भैया उसके अलावा क्या एग्जाम्पल है, उसको एग्जाम्पल आजकल कोरोना तो हो ही रहा है, दिया एक एग्जाम्पल हो ही रहा है। अगला वर्ड क्या आता है बेटा, नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज कॉन्टैक्ट विद सॉल। बहुत आसान सा नाम है, कॉन्टैक्ट विद सॉल, मिट्टी के साथ होने वाला। सुनना,
कॉन्टैक्ट विद सॉइल, मिट्टी के साथ होने वाला कॉन्टैक्ट इसका मतलब क्या कहता है? इसका मतलब कहता है कि भैया अगर कोई इंसान वो गिर गया मिट्टी में, गिर गया मिट्टी में, गिरने के बाद अगर उसको बाउंड हो गया, बाउंड हो गया मतलब घाव हो गया, तो उस घाव पे मिट्टी लग गई तो उससे बीमारी होने का भी डर रहता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है टेटनेस। देखो ये नाम सुना होगा, या कभी चोट लगी हो तो टेटनेस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, गिर गए हो, एक्सीडेंट हो गया। अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं स्कूटी चला रही थी, कार वाले से फ्रंट हिट हो गई, आगे से टक्कर बहुत कम होती है लोगों से, आगे आमने सामने की टक्कर कम होती है, कोई बात नहीं भैया आगे से टक्कर हुई, दिक्कत हो रही थी, स्कूटी तिरछी हो गई, मैं यूं घिसटती हुई, वो रोड़ी गिरी हुई थी, ऐसे घिसटती हुई ना, तो ये सारा चल गया और ये चेहरा सारा चल गया। टेंशन इतनी की नहीं थी, टेंशन ये थी वो जो कांच के गॉगल्स लगा रखे थे ना मैंने, सब चश्मे लगाते हैं, तो भैया उसका कांच टूट गया, यहाँ पे घुस गया, यहाँ पे कट भी है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे घुसा वो भैया खून खून तो आना ही था, बेहोश बेहोश हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल हो गई थी थोड़ी देर में। सबसे पहले डॉक्टर ने इंजेक्शन किसका लगाया? टेटनेस का इंजेक्शन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि मेरे घाव पे मिट्टी लगी थी, मिट्टी भी गिरी थी तो मेरे घाव पे मिट्टी लगी थी, और उसके थ्रू कौन सी बीमारी होने का डर रहता है? टेटनेस होने का डर रहता है। इसलिए टेटनेस से बचने के लिए एंटी टेटनेस इंजेक्शन उसने पहले लगाया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है मेरा बेटू? नेक्स्ट वर्ड कहता है एनिमल बाइट। ये सबको पता होगा, खूब नाम सुना हुआ होगा हमने, अरे कुत्ता काट जाएगा तो रेबीज हो जाएगी, या डॉग बाइट से रेबीज हो जाती है। देखो ये वर्ड सबको पता होगा, किसी ने डॉग पाला होगा तो उसको पता होगा, हर एक इंसान अपने अपने एनिमल को इंजेक्शन लगाता है, या किसी ने डॉग पाल रखा है उसको इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसको बीमारी ना हो। और अगर किसी को डॉग को रेबीज हो गई और उसने गलती से तुम्हें टीथ टच कर, गलती से भी टच कर दिए ना, तो तुम्हें भी कौन सी डिजीज हो सकती है? रेबीज हो सकती है। ये होते हैं एनिमल बाइट से होने वाली डिजीज। तो एनिमल बाइट से भी डिजीज फैल रही है, डिजीज इज स्प्रेडिंग, ऑल्सो स्प्रेडिंग थ्रू एनिमल बाइट, एनिमल बाइट से भी स्प्रेड। अगला वर्ड समझते हैं। देखो भैया रेबीज से क्या होता है, रेबीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, डॉग को रेबीज होता है तो क्या होता है? देखो डॉग की रेबीज से डेथ हो जाती है, सिर्फ एक दो दिन ही जिंदा रहता है, रेबीज होने के बाद हाथ क्या पहुंच जाता है, उसको अजीब से सिम्टम्स आते हैं, उसका मुंह हमेशा खुला रहता है, टंग हमेशा बाहर रहती है, सलाइवा हमेशा रिलीज होता रहता है, और साथ ही साथ बिल्कुल क्या होता है, साथ ही साथ वो हर एक किसी को काट लेता है। ऐसे डॉग्स को हम कॉमन लैंग्वेज में से कहते हैं कुत्ता पागल होता है, और लोग उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं, या म्युनिसिपैलिटी में कॉल करके कहते हैं भैया इसको पकड़ के ले जाओ, यहाँ कुत्ता पागल हो गया। वो एक्चुअली में उन लोगों को वर्ड समझाना नहीं आ रहा, वो बताना चाहते हैं कि वो डॉग कैसा डॉग है, रेबीज वाला डॉग है। अगर वो किसी को काट जाए तो उस इंसान को मसल्स में पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं, एंड अलोंग विद दैट हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से क्या लगने लग जाता है, तो डर लगने लग जाता है। तो भैया हाइड्रोफोबिया की वजह से उस इंसान की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। अगला वर्ड क्या आता है मेरा बेटा? अगला वर्ड आता है नेक्स्ट तरीका। क्या नेक्स्ट तरीका? कैरियर्स और वेक्टर। देखो आसान सा तरीका है, द तरीका इज कैरियर्स और वेक्टर्स। बहुत आसान तरीका है, एक ही बार में सबको समझ में आता है। एक बीमारी फैली बीच में जिसका नाम है डेंगू। वो डेंगू किसके काटने से फैला? मच्छर के काटने से फैला। किसके काटने से फैला? मच्छर के काटने से फैला। मच्छर बीमारी फैला रहा था, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि भैया वो मच्छर क्या था? कैरियर। क्या था? मच्छर के काटने से मलेरिया फैला, तो मलेरिया के लिए मच्छर क्या था? कैरियर। ये सुना है कॉकरोच वाला खाना नहीं खाना चाहिए, कॉकरोच वाला खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए मेरा बेटा? इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि कॉकरोच वाले खाने से फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। एक बार रिपीट कर रही हूँ, कॉकरोच वाला खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उस खाने से फूड पॉइजनिंग होने, वही कॉकरोच सीवेज में रहते हैं, वही कॉकरोच आके खाने में चले जाते हैं, फूड पॉइजनिंग तो होगी।
नेक्स्ट वर्ड क्या आता है मेरा बेटा? नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? द नेक्स्ट वर्ड इज नोन एज, दैट इज एयर. एयर